अगर आप विंडो 11 की ISO फाइल जो कि डिस्क फाइल होती है उसको डाउनलोड करने के बारे में सोच रहे हैं कि कहाँ से करें, जो जेन्युइन विंडो होती है उसको कहाँ से डाउनलोड करें, तो आज के इस वीडियो हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और जानेंगे किस तरह से हम विंडो 11 की ISO फाइल है वो जेन्युइन ISO फाइल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो फ्री में और वो भी ईजिली तरीके से, और ये हम माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करेंगे। तो कैसे डाउनलोड करेंगे आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको अपने सिस्टम में नेट कनेक्ट कर लेना है और नेट कनेक्ट करने के बाद आपको वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं क्रोम वेब ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हमें विंडो 11 की ISO फाइल डाउनलोड करनी है ताकि हम सीधे अपने पेन ड्राइव में विंडो 11 की ISO फाइल को कॉपी पेस्ट करके हम अपने सिस्टम में विंडो 11 इंस्टॉल कर सके। आसानी से इंस्टॉल हो जाती है ISO फाइल। तो इसमें हम सर्च करेंगे, टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है और यहाँ पर है डाउनलोड विंडो 11। तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो जाती है। वेबसाइट ओपन होने के बाद हमें यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर देखिए ये है फर्स्ट वाला स्टेप, डाउनलोड नाउ करने के लिए बोल रहा है, और एक है सेकेंड वाला, देखिए ये। तो इनकी मदद से हम अपने सिस्टम में विंडो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो इनके बारे यहाँ पर हम जान सकते हैं, इन पर डाउनलोड करके इनको वो जान सकते हैं। तो हमें इन दोनों को ब्लैंक खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं करना, और नीचे आना है हम, और यहाँ पर देखिए आपको डाउनलोड विंडो 11 डिस्क इमेज ISO यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर देखिए सेलेक्ट डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हमें विंडोज 11 को सेलेक्ट कर लेना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट द प्रोडक्ट लैंग्वेज, तो हमें प्रोडक्ट की जो लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट करना है, तो हमें इंग्लिश इंटरनेशनल कर लेंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने ऑप्शन आ गया है 64-bit डाउनलोड, तो हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर देखिए विंडो जो है वो हमारी डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। विंडो 11 की जो ISO फाइल है वो भी जेन्युइन ISO फाइल वो यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो गया, जिसका साइज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है लगभग 6.5 GB का साइज़ है। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड और डेटा काफ़ी है तो आप आसानी से बहुत ही ईजिली तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं विंडो 11 ISO फाइल, वो भी जेन्युइन विंडो 11 ISO फाइल को। तो दोस्तों इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से विंडो 11 को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।